नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पेरा का एक नया एपिसोड लेकर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन है और मुझे बात करने में तकलीफ हो रही है, तो ये वीडियो मैं छोटा बना रहा हूँ और टू द पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डाउ जोन से ही, मैं सीधा चार्ट पे आता हूँ और चार्ट के दौरान ही मैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा जो उसके लिए वजह बनी हुई है। तो बात करते हैं डाउ जोन्स की, और 2 वीक पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर हमने एक बार क्लोजिंग दी थी, और मैंने कहा था कि ये क्लोजिंग मायने नहीं रखती जब तक कि मुझे एक और बड़ी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ जाती, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। और देखिए, बराबर से वहीं से हम लोग वापस से नीचे आ गए और वहाँ से करीब करीब 9% डाउ जोन्स डाउ गिर चुका है। तो ये डाउ गिरने का जो मेन वजह है वो हमको समझना चाहिए कि अभी जो जैक्सन हॉल में मीटिंग हुई और वहाँ जेरेम पॉवेल जो कि फेड के चेयरमैन है, उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो उनकी गति है उसको कम करने के कतई मूड में नहीं है। और जो लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो पीक आउट हो गई है, तो ऐसी फ़िलहाल उनको कोई संभावना नज़र नहीं आती और इसलिए वो अभी भी काफ़ी हॉकिश है और इंटरेस्ट रेट अभी भी तेज़ी से बढ़ेंगे। और यही एक जो डर था वो बेसिकली ये कम हुआ था जब ये हमने देखा था कि पिछले 3-4 वीक में मार्केट ने एक अच्छी रैली दी थी। वो रैली देने का एक वजह थी कि लोगों को लग रहा था कि अब शायद उतना तेज़ी से इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, लेकिन जब जैसे ही जॉरम पॉल ने कहा कि इंटरेस्ट रेट अभी तेज़ी से और बढ़ेंगे, तो हमने देखा मार्केट में तेज़ी से गिरावट गई। तो सेम चीज़ सिर्फ अमेरिका में नहीं हुई है, हम लोग देखेंगे यूके के भी मार्केट देखिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास से यूके मार्केट भी बहुत तेज़ी से गिरे हैं, और डैक्स भी बराबर से सब आप देखेंगे ना कि सब ने अपना जो हाई रजिस्टर ट्रेंड लाइन रजिस्टेंस था उसको पकड़ के ही नीचे आ गए हैं सब। तो ये कोई बेसिकली जस्ट कोइंसिडेंस नहीं होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ताकत, कि जहां हमको पहले से हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, और वहाँ हम लोग बेसिकली थोड़ा सा हम लोग पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। निकाई को भी देखेंगे कि निकाई भी नीचे आ गया है, और हैंगसेंग ये जो हांगकांग का है, और चाइना, मतलब हम लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं। ये देख चाइना ने हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को पकड़ के नीचे आ गया, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्री डिफाइंड है, कोई इसमें आश्चर्य वाली बात थी नहीं कि ऐसा होना चाहिए था। ओके, तो वो जो होना था वो बेसिकली एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था, और ये ऑलरेडी मैंने भी पहले ही बताया था कि ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीक मैं एक्चुअली आपके साथ में नहीं था क्योंकि मैं इनफैक्ट 1 वीक हो गया मैं थोड़ा सा हेल्थ वाइज मुझे इश्यूज था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ 1 वीक से कोई भी। तो मैंने 2 वीक पहले ये सब कुछ आपको बताया था और बिल्कुल वैसा ही हमने मार्केट में होते हुए देखा है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे क्या। तो देखिए, ये जो चीज़ हो रही है इसका असर हमारे भारतीय मार्केट पे उतना नहीं पड़ा है। अगर हम लोग इंडियन मार्केट को पिछले 2 वीक का अगर हम लोग ये देखते हैं, तो 2 वीक में ना, तो 2 वीक में हम लोग एक्चुअली साइडवेज मार्केट मूवमेंट में रहे, गिरे भी नीचे, लेकिन गिरने के बाद हम लोग ये जो लेवल मैंने दी थी 2 वीक पहले, इनफैक्ट 2 वीक पहले की जो ये मैंने लोएस्ट लेवल दी थी, और इस बार हमने देखा कि उसी एग्जैक्ट लेवल को टच करके मार्केट वापस से रिकवर भी हो गया। तो हम बेसिकली इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को, लेकिन क्या ये स्थिति कंटिन्यू रहेगी या हम लोग फिर ग्लोबल मार्केट को वापस से फॉलो करना शुरू करेंगे, तो
तो सिंपल है कि देखिए हम हमारी स्थिति कैसी है, हमारे लिए एक ही बेनिफिशियल चीज़ हो रही है मार्केट में, वो है क्रूड ऑयल का गिरना। तो क्रूड ऑयल जो मतलब गिरा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है और इसीलिए हम कहीं ना कहीं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कंटिन्यूस आउट परफॉर्म करेंगे, हम भी फॉलो बेसिकली फॉलो करेंगे ग्लोबल मार्केट को ही, क्योंकि बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम उन्हीं से लेते हैं। और हमने ये भी देखा कि एक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा आया है, इस बार हमारा एक्सपोर्ट में कमी आई है और हमारा जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है जो वो बढ़ के आ गया। तो निगेटिव चीज़ हमारे साथ में भी जुड़ी हुई है और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग मतलब वापस से एक नया लो हम लोग बना सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है, देखो निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग सीधे पहले। तो निफ्टी पे हम लोग मैं बात करूँगा आपको, पहले 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ तो आपको बेटर ज़्यादा समझेगा। ओके, तो निफ्टी अब हमको इस वीक में कहाँ कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। मैं अलग अलग लेवल देता हूँ, जैसे मैंने अब ये कहा है कि यहाँ आपको 17,561 के ऊपर बाय करना है और आपके लिए टारगेट्स होंगे 17,625 और ये टारगेट होगा ऑलमोस्ट हमारा 17,650 का, पकड़ के चलिए आप। ओके, तो ये जो दो टारगेट्स हैं और नीचे के लिए अगर हम लोग ऊपर के लिए ये दो टारगेट्स रहेंगे इस वीक के लिए, अगर नीचे प्राइस मूवमेंट होती है तो हमारे लिए फिर एक दो तीन टारगेट्स हैं, चार टारगेट्स हैं इनफैक्ट। तो पहला टारगेट होगा 17,476, पर ये हमको कब करना है, हम अगर 17,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम लोग का टारगेट्स होंगे 476 और फिर 396, 17,396, 17,279 और 17,163, ये चार पांच टारगेट हो। अब आपको ये लगेगा कि मैंने नीचे ऊपर के तो दो टारगेट दिए, नीचे के चार टारगेट दिए, तो मुझे अभी ये डर है कि अगर हम लोग फॉलो करते हैं ग्लोबल मार्केट को और ग्लोबल मार्केट और गिरते हैं तो हम लोग फिर उसी को फॉलो करते नीचे आ जाएंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ संभावनाएं नीचे की ओर ज़्यादा है, लेकिन मैं हमेशा बेसिकली दोनों ओर ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मार्केट कहीं भी जाता है और हमने देखा भी है, ये एक ट्रेड देखा आपने, एक दिन में हम लोग कहाँ से कहाँ चल गए हैं, तो ऐसा होता है वन वे मार्केट, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते, रोज चलते जाता है। तो ये जो चीज़ है दोनों तरफ, अब मैं इतने लेवल देता हूँ इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आपको इन सारे लेवल्स पे आपको रिवर्सल ट्रेड भी मिलेंगे इंट्राडे में। ओके, तो इन सारे लेवल्स जब आते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ आता है तो आपको हो सकता है कुछ लेवल कुछ वापस रिवर्सल मिले, फिर नीचे आए, फिर रिवर्सल मिले, फिर नीचे आए, फिर तो आप इंट्राडे में उन लेवल्स पे आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ रिवर्सल ट्रेड ले सके। तो इसलिए मैं अलग अलग लेवल देता हूँ और उनके वहाँ आपको उन भी देखना कि क्या वहाँ रुकता है और या और आगे बढ़ता है, तो इसलिए अलग अलग लेवल दी जाती है। ओके, तो ये हो गया निफ्टी के लिए और फिर आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए भी मैं जो लेवल से मेरे 39,500 के ऊपर आप बाय करेंगे, 39,758 और 40,160 के लेवल के लिए। नीचे की ओर अगर हम जाएंगे, अगर हमने 39,350 को ब्रेक किया तो हमारा टारगेट्स होंगे फिर 39,200 और 39,38,977, 38,794, इन तीन टारगेट्स के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं, मैं उन स्टॉक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ आप ट्रेड करके इस वीक में पैसे कमा सकते हैं। तो पहला जो जो ट्रेड होगा वो होगा अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में आप बाय करेंगे 5,852 के ऊपर, टारगेट्स होंगे 928 और 1,077, स्टॉप लॉस होगा 799 का।
फिर दूसरा स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आईटीसी। आईटीसी ने एक नया हाई बना रहा है। आईटीसी मैंने बेसिकली बहुत पहले, एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले कब इसको प्रमोट किया था। तो ये अगर आपको मैं अवरली चार्ट पे दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दो लेवल थी जहां मैंने फर्स्ट टाइम बाय करने के लिए सलाह दी थी, वो था 245। और 245 से अब हम लोग 323 पे आ गए हैं। और अब यहाँ वापस से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ फिर आप एंट्री कीजिए और ये रखिए लॉन्ग टर्म, विदाउट स्टॉप लॉस भी आप इसको रख सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, यू कैन ऐड दिस इन योर पोर्टफोलियो। फिलहाल के लिए टारगेट होगा 368, लेकिन बहुत जल्दी ये 400 और 500 तक भी जा सकता है, तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। फिर एक और जो मैं लेकर आया हूँ, जीएमएम फ्लोटर, यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं वीक के लिए। और एंट्री होगी आपकी 1825 के ऊपर, टारगेट होगा 2110, 2304, स्टॉप लॉस होगा 1722 का। और अगला स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है टीसीएनएस ब्रांड। दिस इज अनदर गुड टेक्सटाइल कंपनी। और यहाँ आपको बाय करके चलना है 671 के ऊपर। 671 के ऊपर आप बाय करेंगे, टारगेट होगा 759 और 887, स्टॉप लॉस होगा 633 का। और लास्ट का जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है जेके टायर। और जेके टायर में आपको करना है, देखिए जेके टायर डेफिनेटली ऑटो सेक्टर काफ़ी अभी बूम में है और उसी की वजह से हमको जेके टायर भी खरीदना है। तो हम इसको करेंगे 148 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 172 192, स्टॉप लॉस होगा 135। तो दोस्तों इस वीक में मैं एक बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ और यहीं से मैं आपके लिए आपसे विदा लूँगा। ये था इस वीक का बाजार पर राय। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मैं कुछ यहाँ बता रहा हूँ एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, एजुकेशनल तरीके से ही आप उसको ले, और इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या जो भी आप ट्रेड लेते हैं इन इंफॉर्मेशन के बेस पे उसके लिए आप अपने जिम्मेदारी पे लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और आप इस वैल्यूबल इसको समझते हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए ये चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ अच्छे डिटेल वीडियो के साथ में। बाय बाय।